अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। और जो आज का जो व्लॉग है ना, इसमें मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि जब भी घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या हम उन्हें इफ्तार पार्टी पे बुलाते हैं तो आप सब लोगों ने कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है ना। मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले एक बात शेयर की थी कि मेरी ईदी आई है ससुराल से ना, तो जब वो ईदी लेकर आए थे तो हमने उनकी ना दावत इफ्तार भी की थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसी वक्त बनाई थी। तो मैं आप लोगों से अपनी टिप एंड ट्रिक शेयर करूँगी कि मेरे घर में जब इफ्तार होती है ना तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले ना, मैं एक दिन पहले सारी सब्जियाँ काट के रख लेती हूँ, चिकन को मैरिनेट करके रख लेती हूँ, ज़ीरा धनिया भून के रख लेती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना, मैं पिज़्ज़ा रोज़ बना रही थी, इसके लिए ना मैंने चिकन को बल्क क्वांटिटी में ले लिया था क्योंकि मैं सैंडविच में भी इसे यूज़ करूँगी। एक तीर से हम दो शिकार करेंगे। उसमें मैंने दही डाली थी, रेड चिली पाउडर डाला था, नमक डाला था, टिक्का मसाला डाला था और सिरका डाला था। ये चारों चीज़ें डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये आपका ना एक टिक्का चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा, जिसमें मैं बहुत सी चीज़ों में ना आगे यूज़ करूँगी। और इसको ना मैंने पतीले में डाल दिया था विदाउट ऑयल और इसे मैं कवर करके रख दूँगी, इतना कि जो चिकन है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए, इसी के दही के पानी में ना ये गल जाएगा। और जब ये चिकन गल जाएगा ना, फिर मैं इसे श्रेड कर लूँगी। अब जो हम इसमें पिज़्ज़ा रोल्स बना रहे हैं ना, तो इसमें हम सारी पिज़्ज़ा की स्टफिंग ऐड करेंगे। तो इसके लिए ना मैंने इसमें एक, अगर आपके पास जो है हाफ़ के जी चिकन आपने लिया है ना, उससे आपने टिक्के बनाए हैं, तो उसमें आपने दो बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर देनी है, दो बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, 5 से 6 ऑलिव्स आप ऐड कर देंगे। और इसमें आप पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे क्योंकि हम इसमें पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, पिज़्ज़ा स्टफिंग है। हाफ कप जितनी आप पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। 1 कप मैंने इसमें चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ ना मिक्स करके ली है, क्योंकि मैं आप लोगों को ना पहले स्प्रिंग रोल सिखा चुकी हूँ, तो फिर मैंने कहा उसे मेरा रिपीट करने को दिल नहीं था, क्योंकि ना जो मेरी होने वाली लंदन है वो सब्ज़ियाँ नहीं इतनी खाती ना, सब्ज़ी वाले रोल्स इतने नहीं खाती शौक से, तो फिर इसलिए ना मैं पिज़्ज़ा रोल की तरफ शिफ्ट हो गई थी क्योंकि रोल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और एक तीर से आपके दो शिकार वाली बात होती है ना, कि साथ में आपको पिज़्ज़ा का फ्लेवर भी आता है और उसका भी रोल्स भी अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। तो अब जो है मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच ही काली मिर्च है, 16 चम्मच सॉल्ट डालूंगी और ये मैं इसमें 1 टेबलस्पून मायोनीज डाली है। बस ये अब मैं इसे चंगी तरह मिक्स कर लूँगी और ये आपकी ना पिज़्ज़ा स्टफिंग तैयार है। अब इस स्टफिंग को आप दो चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसके पिज़्ज़ा रोल्स बना ले, या फिर आप इसके वो जो बॉक्स समोसेज होते हैं ना, आप वो भी बना सकते हैं। और वैसे तो जब हम घर के लिए इफ्तार बनाते हैं तो हम उसमें इतने फ्राई आइटम नहीं रखते, लेकिन जब भी हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो फिर उसमें ये रोल समोसे सारे फ्राइड आइटम ना मस्ट होते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना फिर कि हम ना रखें, क्योंकि एक तो आपने किसी को बुलाया है इफ्तार पे और फिर उस पर ना मैं कहती हूँ दस्तखान सजा हुआ होना चाहिए ना। इसी तरीके से ना मैं सारे रोल्स और समोसे बना लूँगी। और ये जो रोल्स और समोसे थे ना, मैंने एक एक दो दो दिन पहले बना के रखे थे क्योंकि मैंने 13 डिशेज़ बनाई थी तो वो एक दिन में पॉसिबल नहीं था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड चीज़ जो मैं बना रही हूँ, सैंडविचेज। ये बहुत आसान सैंडविच है और ये मेरे फेवरेट सैंडविच है, मुझे रोज़ खिलाओ इफ्तार में, मैं बड़े शौक से खाती हूँ। तो इसके लिए ना मैंने वही टिक्का जो आप पिज़्ज़ा रोल्स के लिए हमने यूज़ किया है वही वाली चिकन है, उसको मैंने शेड कर लिया था और उसमें मैं 1 कप मायोनीज़ ऐड करूँगी और 3 टेबलस्पून मैं इसमें केचप या चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी। अगर आपके पास 1 पाव चिकन है ना, यानी 1 कप चिकन है, तो उसमें आप 1/2 कप से 1 कप जितनी मायोनीज़ ऐड कर लें, 3 टेबलस्पून केचप या चिली गार्लिक सॉस ऐड कर लें, थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और जी बस इसे ना मैं मिक्स कर लूँगी और ये जो आपकी सैंडविच की फिलिंग है ना, ये रेडी हो गई है। अच्छा, मैं जब भी मेन्यू प्लान करती हूँ ना, तो अगर मैंने उसमें 4-5 फ्राई आइटम डाले तो उसमें ना मैं 2-3 इसी तरह के लाइट आइटम्स डालती हूँ, जैसे 2-3 मैं इसमें चाट्स ऐड कर ली थी और सैंडविच ऐड कर लिए थे, एक कबाब बना लिए थे। उससे होता है कि ना फ्राई आइटम्स ना ज़्यादा खाए नहीं जाते एक तो, और ना लाइट चीज़ होनी चाहिए, ताकि किसी ने समोसा खाया तो उसके बाद वो एक लाइट चीज़ ले लेना और टेबल पर अच्छा भी लगता है। तो आप लोग भी अगर दावत करें तो इसी तरीके से ना मैनेज करें कि अगर 3-4 फ्राई आइटम, क्योंकि फ्राई आइटम तो भाई रमज़ान में मस्ट है ना, अच्छे लगते हैं दस्तखान पर, तो उसके साथ एक सैंडविच कबाब चाट ना रख ले, आइटम भी बढ़ जाते हैं और वो चीज़ें लाइट होती हैं और खाई भी ज़्यादा जाती हैं जी। फिर मैंने ब्रेड पे ना थोड़ी थोड़ी सी मायनीज़ लगाई थी, उसके बाद ये सारा चिकन स्प्रेड का मिक्सचर लगा दिया था। और यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर मारा था कि मेरे पास ना एक ब्रेड थी, मैंने 2 ब्रेड्स मंगवाई थी
पैकेट ना, तो जब मैंने इस पर दूसरी ब्रेड के पैकेट रखा ना तो वो छोटा था ना, क्योंकि मैंने सारी बड़ी ब्रेड स्लाइसिस पे, तो मैंने स्प्रेड लगा दी, वरना मुझे ना ऊपर नीचे करके रखना था। देखिए छोटी थी ना, तो लेकिन खैर मैंने इसके फिर किनारे कट कर लिए थे ना, तो फिर ये सही हो गई थी, क्योंकि इतना सारा काम होता है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फातिमा मैडम कोई ब्लंडर ना करे, तो ब्लंडर तो लाजमी होना होता है, लेकिन इतना पता नहीं चला था। बस इसी के से मैं किनारे कट्स कर लिए थे। जब मैं घर में बनाती हूँ ना तब तो मैं किनारे नहीं कट करती, ऐसे ही खा जाते हैं, लेकिन अब मेहमानों के लिए रखने तो फिर किनारे अच्छे नहीं लगते ना, वो कहते पता नहीं कितने कंजूस हो गए, किनारे भी साथ रख दिए। अच्छा जी, अब मैं आपको एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दे रही हूँ, जिससे आपके सैंडविच ना ड्राई नहीं होते। मैंने 1 बजे बनाए थे और ये 7 बजे तक फ्रेश थे। आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है और उसे अच्छे से गीला कर लेना, पानी उसका निचोड़ लेना है, फिर ट्रे में आपने ना ये गीला कपड़ा रखना है और इसमें मैं सारे सैंडविच रख के ना इसे कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। ये इस गीले कपड़े में सैंडविच 8-9 घंटे भी पड़े रहे ना, ये ड्राई नहीं होते, ये मॉइस्ट ही रहते हैं। और जी, अगर आप लोग मेहमानों के लिए बना रहे हो तो फूल बूटी वाला खूबसूरत सा कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें रख दीजिएगा। और मैं ये करूँगी, जब मैं इसे सर्व करूँगी ना इफ्तार टेबल पर लेकर जाऊँगी, उससे 1-2 मिनट पहले ना मैं इसके ऊपर ना जो प्लास्टिक शीट होती है वो लगा दूँगी, तो 10-15 मिनट तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे ना। लेकिन वो मैं काम मैं एंड में करूँगी, पहले मैं इसे गीले कपड़े में ही रहने दूँगी। अच्छा जी, अब जो है मैं बना रही हूँ मैं चना चाट। चना चाट जो है बड़ी सिंपल सी बनाऊँगी मैं। चने ले लिए थे मैंने बॉयल्ड, उसके अंदर मैंने नमक, चाट मसाला, भुना कुटा ज़ीरा और भुनी कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ना, इन चीज़ों को डाल के ना मिक्स कर लिया था। आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मैंने ना दही ली थी, मीठी दही है। 1 कप दही में ना मैंने 2 टेबल स्पून या पीसी हुई चीनी मिलाई थी और वो दही यूज़ की है। और उसके बाद ये मैं इसमें हरी चटनी ऐड करूँगी, ये इमली की चटनी है। और ये जो सारी चटनियाँ ना मैं आपको रमज़ान से पहले ही सिखा चुकी थी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये मैंने वही यूज़ किया, बस मैंने हरी चटनी जो है वो फ्रेश बनाई है। वो चटनी सबको ही आती है बनानी, जो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक और लहसुन से बनती है। और उसके बाद मैंने इसमें आलू, प्याज, टमाटर डाले थे, दोबारा से मैंने इसमें चाट मसाला डाला था, फिर ऊपर दही डाली, हरी चटनी डाली, इमली की चटनी डाली। बस जिसे मैं मिक्स कर लूँगी, मज़ेदार से जूसी जूसी से चाट जो है ना, चना चाट तैयार हो जाएगी। मुझे ये वाली चाट ना बहुत अच्छी लगती है। चले जी, अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, जो है क्रीमी फ्रूट चाट। इसके लिए मैंने 6 केले, 2 सेब छिलके समेत ही काटे मैंने, और 2 अमरूद थे, अमरूद का मैंने छिलका उतार लिया था वो डाले। इसके अलावा मैंने और कोई फल ऐड नहीं किया था। और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाली है, 2 चुटकी नमक डाला है, 1 पैकेट क्रीम डाला है, कोई भी टेटर पैक की क्रीम ले लीजिएगा, नेस्ले, ऑलपस, कुछ भी ले सकते हैं। और ये मैं इसमें 4 टेबलस्पून इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ। मैं चाट में इमली की चटनी डालती हूँ, जो हम बाहर चाट खाते हैं ना उसमें इमली की चटनी होती है, तो लेकिन अगर आप नहीं जानना चाहते तो ओमिट कर दें। तो नमक है ना इसमें वो फ्लेवर इन्हेंसर है, वो चीनी को ना फ्लेवर इन्हेंस करेगा, आपको ना नमकीन नहीं करेगा आपकी चाट, क्योंकि मैंने चुटकी तो डाला है। क्रीमी फ्रूट चाट में ना बॉयल्ड चने भी डालते हैं, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि ना चना चाट साथ मैंने सर्व की थी, तो फिर मैंने इसलिए इसमें चने नहीं डाले। और जी, यहाँ पे ना मैं डिफरेंट स्टाइल का ना चिकन कोरमा बना रही थी, लेकिन इस वीडियो में ना इसकी आपको रेसिपी नहीं मिलेगी। बस आप लोग वीडियो इंजॉय करें, ये मैं फिर आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लेंथी है। और जी, आप लोगों ने मुझे ईदी वाली वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया था, आप लोगों को इतनी अच्छी लगी थी सारी चीज़ें, आप लोगों ने ढेरों तारीफ़ें की थी और ढेरों सारी मुझे मुबारकबाद भी दी थी, और जो है इतनी सारी दुआएं भी दी थी, उसके लिए जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत। अच्छा जी, और आप लोगों ने ना उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो आप लोग भी मेरी फैमिली का पार्ट है, और अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछते हैं तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसका रिप्लाई करूँ। आप में से किसी ने पूछा था कि मेरी मंगनी कब हुई, मेरी मंगनी अभी 3 मंथ्स पहले हुई है, 15 जनवरी 2021 में हुई है। और दूसरा क्वेश्चन था कि मेरा रिश्ता अपनों में हुआ या आउट ऑफ फैमिली हुआ, नहीं मेरा ना अपनी फैमिली में हुआ है, मेरी फूफो का बेटा है उससे हुआ, यानी मेरा कज़न है। और इस कोरमे की आप लुक देखें कितनी अच्छी आई है ना, मैं आपको रेसिपी बाद में दूंगी। चलिए जी, मैंने ना 2 सालन बनाए थे, एक तो मैंने कोरमा बनाया था और एक मैंने ये मक्खन वाली चिकन कढ़ाई बनाई थी जो ढाबा स्टाइल होती है, ये मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ। ये रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, इसलिए मैंने इस वीडियो में से शूट नहीं किया है। और आप में से काफ़ी लोग इस मक्खन वाली चिकन कढ़ाई को बना भी चुके हैं, तो आप लोग लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से क्लिक कर करके वो रेसिपीज़ देख सकते हैं। क्योंकि जो रेसिपीज़ मैं बना चुकी थी ना, फिर वो मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि ना वो एक तरह का टाइम वेस्टेज था और वीडियो लंबी होती जाती और आपके लिए कोई फ़ायदा भी नहीं था उसमें। और ये ना वही कबाब है जिसकी रेसिपी मैंने कल अपलोड की थी। मैंने आपको पहले कहा था ना मेरे घर में इफ्तार दावत थी, तो सारी 13 डिशेज ना मैंने उसी के लिए ही बनाई थी, तो लेकिन मैंने उसमें से कुछ कुछ की रेसिपीज ना अलग अलग से अपलोड की,
क्योंकि आप लोग कहते हैं कि फिर ना हमें समझ नहीं आती, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले से कुछ कुछ रेसिपी जो है अपलोड कर दी थी। और यहाँ पे जो था अब सारी चीज़ें मैं बनाकर फ्री हो गई थी। अब जो लास्ट टाइम था वो 5 बजे मैंने सारी चीज़ें फ्राई करने रखी थी, क्योंकि फ्राई आइटम काफ़ी ज़्यादा थे, स्लो फ्लेम पर फ्राई होने थे, इसे मैंने 5 बजे ना फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने जामे शीरी और टैंग बना के रखा हुआ है, क्योंकि इसके बगैर तो रोज़ा इफ्तार होता नहीं है भाई, ये तो लाजमी चाहिए। और यहाँ से मैं सारी चीज़ें निकाल लूँगी, पिज़्ज़ा रोल्स हैं, कीमे वाले समोसे हैं, ये चिकन डोनट्स हैं, वॉन्टॉन्स हैं, ये चिकन पॉप्सिकल्स हैं, तंदूरी चिकन कॉर्नस हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुकी थी पहले ही, क्योंकि अब तो मैंने ना स्पेसिफिक बनाई थी, लिमिटेड बनाई थी, बस दावत के लिए ना 10-10 9-9 चीज़ें बनाई थी, तो एक एक दो दो पहले, तो मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें सिखा चुकी हूँ। तो ये समोसों के, ये चिकन पॉप्सिकल डोनट्स के से लिंक्स ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर ना ये सारी रेसिपी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरी यूट्यूब की फैमिली में काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करके मुझे फीडबैक भी दे चुकी हैं। तो क्योंकि अब तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें दावत के लिए बनाई थी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आपको पता वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। और जब ये मैं नकली आइसक्रीम ना फ्राई कर रही हूँ, ये धोखे देने वाली जो चीज़ है ना, ये हम फ्राई करने लगते हैं। वैसे चीज़ तो सारी सेम है, बस उसकी लुक मैंने थोड़ी सी डिफरेंट कर रखी है, थोड़ी न्यू लुक देने के लिए ना। और इन सारी चीज़ों को ना स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है, तभी ये ना क्रिस्पी क्रंची रहती है। अगर आपने तेज़ फ्लेम पर फ्राई कर दिया ना, तो ये फिर सारी चीज़ें जो है ना सौगी हो जाएंगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी इतनी मेहनत का। तो जी इस तरीके से ना मैंने दावत पे 13 डिशेस बनाई थी, उस तरीके से मैंने किया था कि मैंने सारी सब्जियां, चिकन को मैरिनेशन और जो मसाले भून के रखने वाले थे वो मैंने एक दिन पहले किए थे, ये जो समोसे थे, रोल्स थे, कॉर्नस थी, ये मैंने 2 दिन पहले बना के ना रख के फ्रीज कर दी थी। और बस फिर जब इस दिन दावत थी, उस दिन मैंने जो था सालन बनाए थे और ये सारी चीज़ें फ्राई की थी और चाट्स वगैरह बनाई थी, और मीठा भी मैंने एक दिन पहले बना के फ्रिज में रखा था रात को। तो आप लोगों के घर में भी दावत हो ना, तो आप लोग ऐसे कर सकते। और खाना सबको बहुत पसंद आया था, सबने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, वो कहते थे हमारी बहू बहुत सुगड़ है तो इसलिए सबने मेरी बहुत तारीफ की थी। अब आप लोगों को तो पता चल नहीं सकता ना, इसलिए मैंने अपनी तारीफ खुद ही करके आपको बता दी, जो उन्होंने कहा वो मैंने मैसेज आपको यहाँ दे दिया है। हाय हाय अकल देखे मेरी, मैंने आपको इन 13 डिशेज़ के नाम तो बताए नहीं जो मैंने बनाए थे। मैंने बनाए थे पिज़्ज़ा रोल्स, कीमा समोसा, चिकन वॉन्टॉन्स, तंदूरी चिकन कॉर्नस, चिकन पॉप्सिकल्स, आलू चिकन डोनट्स, चिकन सैंडविचेस, क्रीमी फ्रूट चाट, चना चाट, तुर्किश चिकन कबाब, स्ट्रॉबेरी ट्राइफल मोस, बटर चिकन कढ़ाई और चिकन कोरमा। उसी दिन ना कमरे की लाइट फ्यूज़ हो गई थी एक बल्ब ना, तो इसलिए आपको पिक्चर्स ऐसी लग रही होगी। और एंड वक्त था इफ्तार का, 2-3 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने में, तो फिर इसलिए मैंने ना जल्दी वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए ना, मैंने कहा मैं फाइनल लुक तो ले लूँ। मैंने लाइट्स को भी अटैच करने की कोशिश की, लेकिन टाइम इतना पीक पे था ना कि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकी, और लाइट को मौत भी उसी दिन आई थी, उसी दिन ही उसमें फ्यूज़ होना था। चलिए जी अब आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों को जो मैंने दावत इफ्तार की थी ये कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।